हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर। आज मैं नॉर्मैक्सिन आरटी कैप्सूल की जानकारी लेकर आई हूँ। यह सिस्टोपिक कंपनी द्वारा निर्मित है और क्लोरडी जेपोक्साइड क्लीडीनुमिनियम और डिसाइक्लोमाइन और रेबेप्राजोल इस दवा का घटक है। क्लोरडी जेपोक्साइड का उपयोग केवल गंभीर व्यग्रता या गंभीर व्यग्रता के साथ अनिद्रा, व्यक्तित्व व्यवहार संबंधी विकारों, मांसपेशियों में ऐंठन और शराब छोड़ने के लिए किया जाता है। और क्लीडीनुम अत्यधिक एसिड स्राव के कारण पेट और आंत में अल्सर होती है। इसके इलाज के लिए और पेट में ऐंठन को राहत देने के लिए प्रयोग किया जाता है। और डिसाइक्लोमाइन पेट में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाता है। और रेबेप्राजोल का उपयोग अम्लता जैसे एसिडिटी, सीने में जलन, आंतों के अल्सर और पेट के अल्सर के उपचार में किया जाता है। तो इस तरह से नॉर्मैक्सिन आरटी चिंता, शराब की लत, पेट में अल्सर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और पेट दर्द, मॉर्निंग सिकनेस, पेट में मरोड़, एसिडिटी, गर्ड, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, पेट की गैस, हर्निया और पेट दर्द और प्रेगनेंसी में एसिडिटी जैसी बीमारियों के इलाज में काम आती है। यह अधिकतर मामलों में दी जाने वाली खुराक है। कृपया याद रखें कि हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोग दवाई देने के तरीके, रोगी की आयु और रोगी का चिकित्सा इतिहास और अन्य कारकों के आधार पर इसकी खुराक अलग हो सकती है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे चक्कर आना, मुंह सूखना, भूख कम लगना, पेट में खराबी, दुर्बलता, दस्त, थकान, बेहोशी, सिर दर्द और मतली या उल्टी या सूजन, त्वचा पर चकते और सीने में जलन, उलझन, पेट में ऐंठन या पेट दर्द या पेट की गैस और संक्रमण जैसे कुछ दुष्प्रभाव होते हैं और जल्द ही समाप्त नहीं होते हैं, तो आप इसे लेना बंद करके डॉक्टर की सलाह लें। प्रेग्नेंट महिला इस दवा को ले सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। और स्तनपान कराने वाली महिलाएं इसके दुष्प्रभाव महसूस कर सकती हैं। यदि इस दवा के कोई दुष्प्रभाव अनुभव करें तो इसको लेना तुरंत बंद करें और चिकित्सक से परामर्श करें। और किडनी, लीवर और हार्ट पर इसके हानिकारक प्रभाव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो तो बिना डॉक्टर की सलाह के दवा न लें। यह एक एंटी स्पास्मोडिक दवा है जो आंतों के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है, जिसे आंत सिंड्रोम भी कहा जाता है। यह आंतों और पेट में ऐंठन के लक्षण कम करता है और आंत की मांसपेशियों को आराम दिलाता है। और चिंता, चिड़चिड़ा, आंत्र सिंड्रोम के लक्षणों का इलाज करता है। यह शरीर में कुछ अंगों के संचार को बेहतर करने में मददगार होती है। यह पेप्टिक अल्सर जैसी स्थितियों के उपचार में इस्तेमाल की जाती है। इसका इस्तेमाल रोगी के स्वास्थ्य अवस्था को देखते हुए निर्धारित किया जाता है। अगर इसमें मौजूद किसी भी तत्व से रोगी को एलर्जी होती है तो डॉक्टर इसके इस्तेमाल की सलाह नहीं देते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी दूसरे रोगी को इसकी खुराक नहीं देनी चाहिए। और ग्लूकोमा में भी इसका इस्तेमाल ना करने की सलाह दी जाती है। ग्लूकोमा एक आँखों की परेशानी है जिसमें आँखों की रोशनी भी जा सकती है। साथ ही किडनी और लीवर की समस्याओं में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर किसी तरह की दवाई का सेवन कर रहे हैं तो उसके साथ नॉर्मैक्सिन इस्तेमाल करने से पहले यह ज़रूर जान लें कि उसके साथ इसका इस्तेमाल करने से आपको किस तरह की परेशानी हो सकती है। साथ ही यह आपके दवा के असर को भी प्रभावित कर सकती है। बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन ना करें। इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से अपनी मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में बात जरूर करें। इसका अधिक सेवन किडनी और लीवर के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर किसी भी तरह के लक्षण या बीमारी की स्थिति है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें।
इस दवा का प्रयोग करने से पहले अपने चिकित्सक को अपनी वर्तमान दवाओं, अनिर्देशित उत्पादों जैसे विटामिन, हर्बल सप्लीमेंट, एलर्जी या पहले से मौजूद बीमारियों और स्वास्थ्य परिस्थितियों के बारे में जानकारी जरूर प्रदान करें। अपने चिकित्सक के निर्देशों के अनुसार दवा का सेवन करें और उत्पाद पर प्रिंट किए गए निर्देशों का पालन भी करें। खुराक स्थिति पर आधारित होती है। यदि स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है या हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो अपने चिकित्सक को बताएं। और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यह दवा नहीं देनी चाहिए। और साथ ही अपने चिकित्सक से तुरंत परामर्श करें यदि उत्तेजना में वृद्धि या अन्य असामान्य मनोदशा को देखते हैं तो। इस दवा को लेने पर भारी मशीनरी की क्रिया संचालन या वाहन चलाते समय सावधानी बरतें या फिर न चलाएं। सामान्य तौर पर इस दवा को खाना खाने के बाद और दिन में एक बार या दो बार लिया जाता है, लेकिन इस दवा को लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर करें। और यदि कोई खुराक छूट जाती है तो याद आने पर जल्दी से जल्दी खुराक का सेवन करें। यदि आपकी अगली खुराक का समय निकट है तो छूटी हुई खुराक छोड़ दें और अपने खुराक का शेड्यूल दोबारा शुरू करें। छूटी हुई खुराक की भरपाई के लिए अतिरिक्त दवा का सेवन न करें। निर्देशित खुराक से ज़्यादा का सेवन ना करें। ज़्यादा दवा के उपयोग से लक्षणों में सुधार नहीं होता है बल्कि इससे विषाक्तता या गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से नॉर्मेक्सिन आरटी कैप्सूल की जानकारी यहीं पूरी होती है और आशा करती हूँ कि इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। और इस चैनल के अलावा मेरे और दो चैनल हैं, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी।